हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टॉप 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए। तो इस पहली सीरीज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कोशिश करिए आप स्वयं अपने जवाब दीजिए और लास्ट में चेक करिए कि आप इन 25 क्वेश्चंस पे कितने करेक्ट बना पा रहे हैं। ना आपका स्कोर 10 से 15 के बीच में या 10 से कम है या 15 से 20 के बीच में या 20 से 25 के बीच में है, आपको इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। राइट, तो पहला सवाल आपके सामने है, वैद्य हीटर का तंतु बना होता है, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो वैद्युत हीटर का तंतु होता है ये नाइक्रोम धातु का बना होता है। तो सही जवाब क्या है, नाइक्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका दूसरा ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सवाल है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब पानी का आयतन, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि पानी का आयतन पहले घटता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। तो सही जवाब क्या होगा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है, एक मेगावाट आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो ये तो देख के आपको जवाब देने वाला सवाल है, 3.6 × 10⁻⁹ जूल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है आज का फोर्थ क्वेश्चन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। तो आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में 1921 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया हुआ था ये दिया गया हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और इन्होंने 1921 में जो इस पुरस्कार इनको मिला उसको इन्होंने एक साल बाद यानी 1922 में रिसीव किया हुआ था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में किसके उपयोग से बदला जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टामीटर। तो गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टामीटर में चेंज कर सकते हैं, तो आपको अगर जवाब नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, अगर आप हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हैं तो आप गैल्वेनोमीटर को बदल सकते हैं वोल्टामीटर में। अगला सवाल है, गैसी नियम किसने दिया। बहुत सरल सवाल है, गैस लॉ वॉज गिवन बाई, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बॉयल ने गैस लॉ दिया हुआ था। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल ये है, ओजोन परत हमें बचाती है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ये भी एक आसान सवाल है और आप सबको पता है जवाब कि ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आठवां सवाल, डीजल इंजन में आग निम्न में किससे उत्पन्न होती है। फायर इन द डीजल इंजन इज प्रोड्यूसेस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डीजल इंजन है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कंप्रेशन होता है, दबाव होता है और इस वजह से उसमें आपका आग उत्पन्न होती है। तो सही जवाब है कंप्रेशन। अगला सवाल नवा आपके सामने ये रहा, वैद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें सबसे अच्छा चालक आपको पता है जो धातु है वो सिल्वर, सिल्वर के बाद आपका कॉपर आता है। राइट, तो फिलहाल सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दसवां सवाल, निम्न वैद्युत तरंगों का तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम कौन सा सही विकल्प है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट्स और एक्सरेज, ये आपका अगर इनके घटते हुए क्रम की बात की जाए वेवलेंथ की, तो सही जवाब आपको यहां पर मिलेगा कौन सा, दैट इज सी, यानी सबसे ज्यादा आपका रेडियो तरंगे इनकी वेवलेंथ होती है, उसके बाद इंफ्रारेड की, फिर विजिबल और एक्सरेज की सबसे कम। तो वेवलेंथ आपका सबसे कम हुई एक्सरेज की, इस वजह से नंबर सबसे लास्ट पे आना चाहिए, जवाब हो गया सी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ग्यारहवा सवाल ये रहा, एम्पियर घंटा इनमें से किसका मात्रक है, एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो एम्पियर आर जो आपका आर होता है ये चार्ज का मात्रक होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज का मात्रक, इस वजह सही जवाब कौन सा होगा, इसमें डी होगा। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल है आपका बारहवां सवाल, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज़, एक्स किरणों की खोज किसने की। तो एक्स किरणों की खोज ये एक जर्मन प्रोफेसर थे जिन्होंने की 1895 में एक्स किरणों की खोज की और इनका नाम था रोंटजेन।
अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 13वां, निम्न में किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो पानी का घनत्व आपका, आप सबको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय दो अपोजिंग इफेक्ट्स बैलेंस्ड में हो जाते हैं और इस वजह से पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला सवाल 14वां आपके सामने ये रहा, लेजर से प्रकाश प्राप्त कैसा होता है? लाइट फ्रॉम द लेजर इज कैसी होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए ये मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी एक वर्णी होती है। अगला सवाल डियर स्टूडेंट्स ये रहा, चोक को क्यों प्रयोग किया जाता है? चोक इज यूज टू, चोक के प्रयोग का काम क्या है? तो चोक के प्रयोग का काम आपको पता होना चाहिए, ये जो रिड्यूस करता है करंट एसी सर्किट में, रिड्यूस द करंट इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में धारा को कम करने के लिए हम लोग चोक का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल 16वां ये रहा, द वेट ऑफ अ बॉडी इज, किसी पिंड का भार सभी जगह पर समान होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा, या समतल के अपेक्षा पानियों पर अधिकतम होगा? तो आपको पता है W इक्वल टू mg, और जहां पर g ज्यादा होगा वहीं पर आपका वेट भी ज्यादा होगा, और आपको पता है ध्रुव के ऊपर सबसे ज्यादा आपका g का मान है, इसी वजह से जो ध्रुव पर आपका W होना चाहिए वो सबसे ज्यादा है। तो सही जवाब है मैक्सिमम एट द पोल्स, ध्रुवों पर अधिकतम। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 17वां, किस तापमान पर एक पिंड कोई ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करता है? तो एब्सोल्यूट जीरो, या जिसको आप जीरो केल्विन भी कहते हो, उस पर कोई पिंड किसी भी तरीके की कोई ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करता है, और ये कितना होता है आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल डियर स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने, हम पृथ्वी से केवल चंद्रमा का एक भाग देख सकते हैं, ओनली वन पार्ट ऑफ मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ बिकॉज, क्या कारण है आपका इसका? तो डियर स्टूडेंट्स इसका सही कारण है आपका जो पीरियड ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन है, ये क्या है आपका बराबर है, द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इज इक्वल। सो भाई हम सिर्फ आपका पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख सकते हैं। अगला सवाल आता है, पार्सेक इनमें से किस एक इकाई है? तो लंबी खगोली दूरियों को नापने के लिए हम लोग पार्सेक का उपयोग करते हैं, तो पार्सेक इकाई होगी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की। अगला सवाल है डियर स्टूडेंट्स ये 20वां सवाल, इनमें से किस में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं होता? इन विच अमंग द फॉलोइंग इज अल्टरनेट करंट इज नॉट यूज्ड? तो रेफ्रिजरेशन में भी अल्टरनेट करंट का यूज होता है, हीट प्रोडक्शन में भी होता है, रेडियो डिटेक्शन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी वैद्युत लेपन में एसी करंट का उपयोग नहीं होता है। अगला सवाल आपके सामने 21वां ये रहा, गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफ अर्थ सडनली स्टॉप इट्स रोटेशन? अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो जो गुरुत्वीय त्वरण है ये क्या होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर इसका मान घटेगा। तो सही जवाब सी होना चाहिए, इट विल डिक्रीज एट द इक्वेटर। अगला सवाल 22वां इरा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सही जवाब आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या है, ये आपका डी ऑप्शन है, कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन, यानी केशिकत्व और पृष्ठ तनाव, इन दोनों सिद्धांतों के ऊपर बॉल पेन काम करता है, राइट। अगला सवाल आपके सामने 23वां ये रहा, पदार्थ के रूप है, द फॉर्म ऑफ मैटर्स आर, तो पदार्थ के मुख्यतः तो तीन ही रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा की है, जबकि पांचवी अवस्था हम बोस और आइंस्टीन को ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर यहां पर जवाब की बात की जाए कि पदार्थ के कितने रूप है, तो सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा, सी, यानी 5। अगले सवाल पर मूव करते हैं जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, किस तरीके का आपका चार्ज उत्पन्न करेगा? तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरीके का चार्ज उत्पन्न करता है, यानी वैद्युत और चुंबकीय दोनों तरीके के क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चालक बने होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम किस धातु से बनाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स लाइटनिंग कंडक्टर्स को या प्रकाश चालक को हम लोग बनाते हैं कॉपर धातु की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए एक
काफी मददगार साबित हो सकते हैं आने वाले आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए। और हम रोज आपको एक इस तरीके का आपका 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।